नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर स्थित श्री सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में छठी मैया एवं सूर्य भगवान के प्रति आज भोर में आस्था का सैलाब देखा गया। बड़ी संख्या में व्रतियों ने सूर्य भगवान को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। श्री सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में आज प्रातः भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। छठ पूजा स्थल पर बड़ी संख्या में व्रतियों ने अपने पूरे परिवार के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना किया और पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया। सहस्वीर बाबा छठ पूजा समिति की ओर से आयोजित छठ पूजा देखने आए बड़ी संख्या में लोग व्रतियों के श्रद्धा भाव को देखकर भाव विभोर हो उठे। छठी मैया एवं सूर्य भगवान के जयकारे के साथ मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। मौके पर आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला। छठ पूजा में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कृष्णा नगर थाना पुलिस सक्रिय रही और पूजा स्थल पर महिला पुलिस कर्मियों की पैनी नजर रही। वहीं सहस्वीर बाबा छठ पूजा समिति के लोगों सहित सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। नमस्कार, मैं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस समय आप राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित कृष्णा नगर के सहस्वीर मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं छठी मैया और सूर्य भगवान के प्रति आस्था का सैलाब। आप देखिए किस तरह व्रती महिलाएं पानी में खड़ी होकर सूर्य भगवान के डूबने का इंतजार कर रही है, इसके बाद अर्घ देकर इस कठिन व्रत को समाप्त किया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर इस पूजा को देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पूजा में पुण्य कमाना चाहते हैं शामिल होकर। इसी क्रम में कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया आपका नाम? संजय अग्रवाल। यही रहते हैं विजयनगर में। विजयनगर में इस पूजा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी पूजा है, बहुत मानता है इस पूजा की और सब लोग इस पूजा को बहुत मन से और ध्यान से करते हैं। क्या आप लोग के परिवार में भी कोई व्रत रहता है? हमारे तो नहीं रखता, हम इसको देखने आए हैं। हर साल देखने आते? जी, हर साल देखने आते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? हम बिहार के हैं जी, हम छठ पूजा में सम्मिलित हैं और हमारे घर में भी छठ पूजा हो रहा है। जी जी, तो इसे पूजा कैसे कैसे तैयारी आप लोग करते हैं? इसके लिए तो 6 दिन का तैयारी हम लोग लगते हैं, 6 दिन से होता है तैयारी है। जैसे नहाए खाए से पूजा शुरू होती है, उसके बाद खरना, फिर अस्त होते सूर्य देव को जल दिया जाता है, उसके बाद जो है पांचवे दिन, आज पांचवा दिन, सातवा दिन है, आज सातवा दिन। हाँ जी, छठे दिन तो कल था व्रत का, पूजा का। व्रत का छठे दिन होता है, आज सातवा दिन होता है सुबह वाली। सुबह वाली? हाँ। तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजा समाप्त होती है, समाप्त किया जाएगा। हाँ जी। सहस्वीर बाबा मंदिर प्रांगण में हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और यह पूजा का आयोजन सहस्वीर मंदिर छठ समिति की ओर से किया जा रहा है। समिति के लोग यहां पर हैं, हम लोग से जानेंगे इस पूजा की तैयारी करने में क्या क्या करना पड़ा, कोई असुविधाओं का सामना तो नहीं करना पड़ा। परिचय दीजिए, बोल दीजिए। विवेक विकास प्रेरा संस्थान प्रत्येक वर्ष छठ पूजा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके समाज सेवा हेतु, अपने धर्म हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ पूजा का आयोजन करता है और यहाँ पर भक्त जनों की सुविधा के लिए हम निरंतर हमारी टीम कार्य करती है और जिस तरह से यह छठ पूजा पूर्वांचल से लेकर के आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो रही है, इसको देखते हुए हमारे सरकार भी हमारी व्यवस्थाएं बढ़ाती जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिसके लिए राजकीय अवकाश घोषित किया है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इस छुट्टी के लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। छठ पूजा कार्यक्रम में नगर निगम का भी सहयोग हमें मिला है, यहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था का भी सहयोग मिलता रहता है और मुख्य रूप से यहाँ के जो भक्तगण है उनके सहयोगियों का जिस तरह से सहयोग मिलता है उसका हम स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपके माध्यम से हम यह एक संदेश देना चाहते हैं समाज में, समाज के लोगों में, कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से अनेक पूजा पाठ कार्यक्रम होते हैं उसी कार्यक्रम में से छठ पूजा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अगर देखा जाए
तो कर्ण के द्वारा की गई थी। कर्ण ने सूर्य भगवान की पूजा प्रारंभ किया था, जो जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान की पूजा करते थे। इसकी और भी मान्यताएं हैं तरह तरह की, जिसे समाज में एक उत्तम संदेश जाता है। और सनातन धर्म में सूर्य देव एक प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका हम आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम उनकी पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आराधना भी करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन देखते भी हैं। प्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से हम पूजा करते हैं, उसी तरह से प्रत्येक दिन सूर्य भगवान का हमें दर्शन प्राप्त होता है और उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। जैसा कि देख रहे हैं, छठ पूजा को एक गजब का उत्साह है और सूर्य भगवान प्रकट होने वाले हैं और व्रती महिलाएं अर्घ देने के लिए उत्सुक है और इस अर्घ देने के बाद अपने पूजा का समापन करेंगी। मतलब आप कहाँ से हैं? हम लोग मकान यहाँ है हमका, हमारा यहाँ, हम पूरा छठ करते हैं। हमारी माता है, ये हमारी बेटिया है, ये दामाद है। माता जी, पूजा का क्या प्रताप है? पूजा के प्रताप है, आप अपना मन में रखिए, जो चीज आप माता मैया ने करती है, मन के पूरा करती है, रोग व्याध जो शरीर में आता है सबको दूर करते हैं। उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की पूजा सबसे प्राथमिकता है, और जो है इसमें जो भी आपका मन होता है, मन वांछित, वो आप सच्चे मन से मानिए, तो दुर्गा भगवान छठी मैया बोले। अम्मा ये बतावा, ठकुआ हुआ प्रसाद बनल हो? ये बनल नहीं हुई, बनी। हम भोजपुरी नहीं है, हम भोजपुरी नहीं है, हम मैथिल ब्राह्मण है, बिहार के, समझे? तो बिहार का तो बड़ा फेमस त्योहार है, फेमस है, हम लोग के बहुत फेमस है। आज देश का पूरे विदेश में भी मनाया जाता है त्योहार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर उतना नहीं होता है, जहाँ देश जैसा देश वैसा देश हो जाता है। लेकिन हम लोग के जो है बिहार सभी त्योहार, मिट्टी का त्योहार बनता है, मिट्टी के बर्तन में खीर बनता है, गुड़ के खीर, उसके नैवेद्य होता है, तीन दिन व्रत होता है, समझे ना, तीन दिन। आज के तो व्रत खत्म है, मेन जो है जिस दिन खरना होता है, पंचमी को खरना होता है, उस दिन पूरा दिन व्रत रहती है, नहाई खाई होता है, षष्ठी खरना, सप्तमी को सांझ का अर्घ और अष्टमी आज प्रातः काल का अर्घ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इसी क्रम में और लोग हैं जो पूजा देखने के लिए आते हैं, बड़ी उत्सुकता यहाँ रहती है। यहाँ किस उद्देश्य आए? हम लोग देखने के उद्देश्य से आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे देखते 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 तो इतना पूजा रोकनी है, देखते देखते देश का विदेशों में भी लोग इसको मनाने लगे, हर जगह लोग मनाते हैं, देश में विदेश में हर स्टेट में, हर स्टेट में बिहारी लोग रह रहे हैं, बिहार के बाहर के लोग, बिहार अदर स्टेट के लोग भी जो है वो लोग भी रहने लगे हैं देख सुनकर जो है। हम लोग मैं बिहार की मतलब पैदा हुई हूँ नहीं, लेकिन हमने 25 साल वो देखा है और यहाँ क्या सारी यादें ताजा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग करने वाले नहीं है, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा कठिन व्रत है, लोग बड़ा इसमें 3-4 दिन के लिए बड़ा कठिन उनको करना पड़ता है, ये जो है तैयारियां है, ये है हमारा अरेंजमेंट करना, लोगों के बड़ा कठिन होता है, तैयारियाँ बड़ी भव्यता के साथ की जाती है और ये पूर्वांचल का प्रमुख त्योहार। भैया आप कुछ कहेंगे क्या? जी जी, लोग कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, लेकिन सूर्य मतलब छठ ऐसा महापर्व है जिसमें पहले अस्त होता है उसके बाद सूर्योदय होता है। यही कामना हम लोग के लिए है कि जितने यहाँ पे नगरवासी हैं, जितने भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जितने लोग हैं, सबके साथ माँ छठी जो है हमेशा अपना सहयोग बनाए रखे, अपना आशीर्वाद दिए रहे, जितने भी मतलब हैं लोग हैं सबको अपना आशीर्वाद दें, यही कामना करता हूँ मैं माँ छठी से। इसी क्रम में कुछ महिलाएं इनसे हम बात करेंगे, छठ पूजा को लेकर क्या कहना चाहती है? छठ पूजा हमारा महापर्व है, पूरे देश के यहाँ तक कि ये विदेशों में भी अब तो मनाए जाने लगे हैं। और छठ पूजा 3 दिन का व्रत होता है, ये पहले नहाना खाना, फिर खरना, उसके बाद छठ महापर्व होता है। इसमें जो औरतें होती हैं वो 3 दिन का व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, और इसको करने में पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में
को मनाया जा रहा है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, छठ मैया के छठ पूजा की खासियत ये है कि इसमें भगवान माता छठ में सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक है, जैसे हर पूजा में कहा जाता है कि इस पूजा में ये कामना है और इसमें क्या कामनाएं की जाती है? इसमें आपकी संतान की, धन लक्ष्मी की, सुख शांति की, इसमें सारी चीज की समृद्धि होती है। आप जिस चीज से मन्नत लेके करते हैं छठ माता उसको पूरा करती है। आपका नाम मैडम? पूनम गिरी। आप यही कृष्णनगर के रहने वाली हैं? जी। हर साल पूजा करती है? जी हर साल पूजा होती है। जा रहा है, यहाँ कुछ और महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं। ठीक है, क्या करना चाहेंगे? देखने आए हैं जी। क्या करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य पूजा की? छठ पूजा बहुत ही महान है, इसका बहुत मनाया जाता है, बहुत ही मान्यता है इसकी। बस आप देख सकते हैं जबरदस्त भीड़ सरसों भीड़ मंदिर प्रांगण में है और अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार दृश्य पूरा दिखाएं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग छठी मैया से संतान सुख, संतान की समृद्धि, घर में सुख शांति के लिए यह पूजा कर रही है और सूर्य भगवान को अर्घ सभी लोग दे रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सीनियर भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।